इस बार भाजपा ने कांग्रेस से सत्ता छीन ली है। भाजपा ने कांग्रेस को अगले 5 साल के लिए टाटा बाय बाय कर दिया है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कल 3 राज्य में प्रचंड बहुमत मिली है। राजस्थान की 200 में से 199 विधानसभा सीटों के नतीजे कल जारी हो गए हैं। भाजपा को 115 सीटें मिली है तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ 59 सीटें ही आई है। लेकिन भाजपा के कुछ दिग्गज नेताओं को इस बार हार का सामना करना पड़ा है, जैसे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, नरपत सिंह राजवीर, रामलाल शर्मा जैसे चेहरों को इस बार सदन में जगह नहीं मिली है। आज हम आपको राजेंद्र राठौड़ की हार का कारण बताएंगे कि कैसे राजेंद्र राठौड़ को तारानगर में उनके अपनों ने ही उनको हरा दिया। तारानगर में भाजपा की टिकट के दावेदार कहने को तो राजेंद्र राठौड़ के साथ थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अलग ही चिंगारी भड़क रही थी। कहा जा रहा है कि चंद्र राम गुरी जैसे नेताओं ने भी राजेंद्र राठौड़ को हरवाने में कोई कोशिश नहीं छोड़ी है। तो वही दूसरी ओर इनके अलावा चूरू से सांसद राहुल कस्वा ने भी राजेंद्र राठौड़ से बदला लेने के लिए खूब जोर लगाया बताया। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल होने की वजह से भी कई नेता राजेंद्र राठौड़ को हराना चाहते थे। उनका मकसद सिर्फ राजेंद्र राठौड़ को विधानसभा में जाने से रोकना था। वही अगर तारानगर में जातिगत समीकरण की बात करें तो जाट समाज ने एक वक्त गुप्त रूप से नारा दिया था कि जो जाट जिंदा है वो जाट को ही वोट देगा। जाट समाज की एकजुटता और धर्मवीर पुजारी को जिला अध्यक्ष पद से हटाने के कारण विप्र समाज की नाराजगी भी राजेंद्र राठौड़ को कहीं ना कहीं झेलनी पड़ी थी, और यही कारण उनकी एक हार का भी बताया जा रहा है। क्योंकि विप्र समाज ने धर्मवीर पुजारी को हटाते समय ऐलान किया था कि हम इसका जवाब निश्चित रूप से देंगे, लेकिन चुनाव के समय वोट से देंगे। भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ को नरेंद्र बुड़ानिया ने 9,727 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र बुड़ानिया को जिताने में भाजपा नेताओं का भी सहयोग रहा है। इस बार बुड़ानिया का जातिगत समीकरण काफी मजबूत रहा है। बुड़ानिया को जाट समाज के नेताओं ने अच्छे खासे वोटों से जिताया है। तो वही राजेंद्र राठौड़ का समीकरण उन्हीं के साथ रहने वालों ने खराब कर दिया है और उन्हें इस बात का एहसास तक भी नहीं होने दिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सद्देका मनोहर आपके साथ, शुक्रिया।